बिहार की सियासत की बिछ गई बिसात, किसकी बनने वाली है सरकार, हर सीट का चुनावी समीकरण देखिए सबसे पहले हमारे साथ सिर्फ लाइव 10 न्यूज पर। सिवान की राजनीति में एक और नाम जुड़ चुका है। आपको बता दें कि सिवान विधानसभा सीट से पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तव निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेंगे। आज उन्होंने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान भी कर दिया है। सुनिए और क्या कुछ कहा पत्रकार अभिषेक श्रीवास्तव ने। सबसे पहले तो आप सभी बंधुओं को, पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार और सिवान की जनता को भी मेरा नमस्कार। आप सब लोग को बता दूं कि सिवान में जो पूरे बिहार की जो वर्तमान में राजनीति की जो दशा दिशा चल रही है, इसको देखकर तो आप लोग भी पत्रकार हैं तो आहत ही हो रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं से मैं भी आहत हुआ, तो यह निर्णय लिया कि थोड़ा सा बदलाव की ज़रूरत है और इसी उद्देश्य को लेकर इस बार मैंने फैसला किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। जनता के समक्ष हम अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, अगर जनता हमको स्वीकार करती है तो एक बार मेरा यही दरख्वास्त होगा कि हमको सेवा का मौका दे। पिछले करीब 3 दशकों से जो सिवान की स्थिति रही है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। विकास के बात पर, विकास के नाम पर लोगों से वोट लिया जाता है, सरकार बनती है, लेकिन उसके बाद नेताजी कहीं नज़र नहीं आते हैं। चुनाव के समय सुबह से ही अभी जो लोग हैं शौच आदि से भी, दैनिक क्रिया से भी निर्वृत्त नहीं होते हैं कि नेताजी घर पहुंच जाते हैं, लेकिन चुनाव बीतने के बाद 5 सालों तक नेताजी के दर्शन नहीं होते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर मैंने फैसला किया है कि इस बार मैं भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन करूँगा 105 सिवान विधानसभा क्षेत्र से। इसी बृहस्पतिवार को 15 तारीख को मैं अपना नामांकन पर्चा दाखिल करूँगा। बाकी आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नामांकन करेंगे, क्या सिवान की जनता सपोर्ट करेगी? देखिए, नामांकन करने के लिए तो जो समय है निर्धारित है उसी के बीच में, अब जब मैं तो 10:30 बजे घर से निकल जाऊंगा, अब जब मुझे मौका दिया जाए, प्रशासन के द्वारा इंट्री दिया जाए, तो मैं जाकर नामांकन करूँगा। मेरा मुद्दा जनता से ये है कि देखिए, विकास के बहुत सारे बातें हैं, ऐसे कहने को सरकार, राज्य सरकार बहुत सारी योजनाएँ चला रही है जनता के लिए, लेकिन कहते हुए काफ़ी यह दुख होता है कि आज़ादी के 73 वर्ष बाद भी अभी जो भी पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, चुनाव में उनका मुद्दा जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं इसी को वे लोग मुद्दा बनाती हैं। जैसे सड़क हो गया, बिजली हो गया, पानी हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, यही सब चीज़ों को लेकर राजनीतिक दल उतर रहे हैं। जबकि 73 सालों में आप देखिएगा कि दूसरे देशों को देखिए तो उन लोगों ने कितनी तरक्की कर ली है। आज वहाँ पे ये मुद्दा नहीं है कि सड़क नहीं है, बढ़िया स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है या शिक्षा नहीं है। हमारे यहाँ के लोग पढ़ने के लिए दूसरे देशों में जाते हैं। सिवान की बात करें तो सिवान में आप देखिएगा, शिक्षा में पहले मैं बताऊँगा कि यहाँ स्नातक के लिए, ग्रेजुएशन के लिए जो जितने भी कॉलेज हैं सभी जेपी यूनिवर्सिटी छपरा के अधीन आते हैं। यहाँ से सांसद भी लोग हुए हैं, विधायक भी हुए हैं, लेकिन किसी ने यह प्रयास नहीं किया कि जिस जेपी यूनिवर्सिटी छपरा के अधीन सिवान के कॉलेज हैं उसकी एक ब्रांच सिवान में हो जाए, ताकि जो हमारे युवा छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको जो अपनी पढ़ाई के बाद सर्टिफिकेट माइग्रेशन वगैरह की आवश्यकता होती है तो उनको दूसरे ज़िले में जाकर चक्कर लगाना पड़ता है, उससे उनको निजात मिले। क्या आपको जनता चुनेगी तो इन सब कामों को आप करेंगे? बिल्कुल, अगर जनता मुझे, मैं तो कहता हूँ कि जो राजनीति नाम दिया गया है इसका नाम राजनीति न होकर सेवा नीति होना चाहिए था। तभी एक जनप्रतिनिधि जब चुना जाता है जनता के द्वारा तो वह जनता का सेवक होता है, लेकिन इसका नाम ही रख दिया गया है राजनीति। तो जो लोग चुने जाते हैं वे लोग अपने आप को राजनेता समझ लेते हैं और खुद राज करने लगते हैं, जनता के विकास के नाम पे वोट लेते हैं लेकिन जनता का कोई विकास नहीं करते हैं, विकास अपना कर लेते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में क्यों आना चाहते हैं, किसी पार्टी के साथ क्यों नहीं? देखिए, यही बात है, पार्टी के साथ मेरे अपने जितने भी मैनिफेस्टो हैं, 2 दर्जन मैनिफेस्टो हैं जिनको कोई पार्टी स्वीकार नहीं कर सकती है प्रत्यक्ष रूप से, चाहे वह सत्तारूढ़ हो या विपक्ष दल हो। कई
अब बड़े लोग तो मुझे लेंगे भी नहीं पार्टी वाले, और जो छोटे दल वाले कई लोगों ने मुझे ये नोक भी किया, लगातार मेरे पीछे पड़े भी हुए हैं, संपर्क साध रहे हैं कि आप हमारे टिकट से, हमारे सिंबल से चुनाव लड़िए। लेकिन मेरी जो अपनी विचारधाराएं हैं इसको लेकर मैं समझता हूं कि कोई राजनीतिक दल मेरी विचारधाराओं को मान्यता नहीं देगा। अभिषेक जी, निर्दलीय चुनाव लड़कर जो सिस्टम है, सिस्टम को कैसे सुधार सकते हैं आप? क्यों नहीं सुधार सकते हैं? आपके पास उदाहरण है, आप जाइएगा कुछ दिन अगर देखिएगा तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज है एक मुख्यमंत्री का, एक हमारे बिहार से ही अलग हुए एक प्रांत झारखंड के मुख्यमंत्री जो निर्दलीय विधायक होकर मुख्यमंत्री के पद पर और सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रहे हैं, मधु कोड़ा। तो क्यों नहीं, आप जनता आपको चुनती है, इसके लिए दल में रहना जरूरी नहीं है। एक निर्दलीय विधायक को भी वो सारे फंड मिलते हैं, और इसके अलावा फंड के अलावा ये तो आश्चर्य की बात है कि राजनीतिक दलों से लोग जीत कर आते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों से लोग जीत कर आते हैं, और जो फंड होता है आप पता कीजिएगा कि वो वापस चला जाता है, कोई काम नहीं होता है और वो रुपया वापस चला जाता है। तो मैं निर्दलीय रहूंगा, जितने भी फंड आएंगे वो सारे फंड से काम होंगे। इसके अलावे मैंने ये विचार किया है कि अगर जनता मुझे अपना सेवक चुन लेती है तो जो सैलरी मुझे एक विधायक के रूप में मिलेगी उसका 50% मैं जनता के नाम पे हर महीने डोनेट कर दूंगा। 50% अपनी दाल रोटी अपना परिवार चलाने के लिए रखूंगा, और बाकी जो 50% है मैं जनता राहत कोष बनाकर और उसमें डोनेट कर दिया करूंगा। और जो भी हमारे क्षेत्र की सीमान सदर विधानसभा क्षेत्र की जो भी जनता होंगे, अगर उनको आवश्यकता पड़ेगी वो आकर हमसे मिलेंगे, बताएंगे अपनी आवश्यकता को, अगर वाजिब उनकी बात होगी तो उनको उससे सहायता दी जाएगी। अभी तक आप देखे होंगे पूरे देश भर में प्रधानमंत्री राहत कोष है, मुख्यमंत्री राहत कोष है, इसमें जनता से पैसा लिया जाता है जनता को देने के लिए। लेकिन मैंने ये सोच रखा है और निर्णय कर लिया है कि अगर जनता मुझे चुनती है तो हर महीने मैं मेरा जो वेतन होगा उसका 50% डोनेट कर दूंगा जनता के लिए, बाकी जो सारे फंड है वो सब तो होते रहेंगे, मैं अपना भी पैसा आधा दे दूंगा। अभिषेक जी, जब चुनाव की घोषणा हुई है उसके बाद आप चुनाव मैदान में उतरे हैं, ऐसे में अभिषेक जी को लोग क्यों चुने? नहीं, आपको ये गलतफहमी हुई है, चुनाव की घोषणा के पहले ही मैंने ये कर दिया था। आप जाइएगा सोशल मीडिया में, चूंकि जनता के बीच आप नहीं रहे, अचानक से मैदान में उतर गए, तो क्यों जनता आपको वोट? हाँ बिल्कुल, अब आप एक पत्रकार हैं, ये बताइए कि आप खुद से अपने आप को आंकिए कि आपको, आप सीवान जिले में पत्रकारिता करते हैं तो आपको यहाँ के जनता, यहाँ के लोग पहचानते हैं या नहीं, आप खुद अपना आकलन कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको सीवान के लोग नहीं पहचानते हैं तो फिर मुझे भी नहीं पहचानते हैं। करीब 15 वर्षों मैंने सीवान में पत्रकारिता किया है, और पत्रकारिता भी जनसेवा ही है, लोगों की आवाज़ उठाना, लोगों की समस्याओं को बताना, सारे दुनिया को बताना मीडिया के माध्यम से। यह तो मैं तो जनता के बीच ही, 15 सालों से मैं जनता के बीच ही रहा हूँ, तो ऐसे कैसे है कि कोई मुझे अभिषेक श्रीवास्तव को नहीं पहचानता है? हाँ, एक राजनीति के व्यक्ति के रूप में नहीं, तो मैं आज भी कहता हूं कि मैं राजनीतिक व्यक्ति बनना नहीं चाहता हूं, मैं राजनीति को सेवा नीति के रूप में लाना चाहता हूं। 1.5 दशक तक एक पत्रकार के रूप में जनता ने आपको स्वीकार किया, क्या लग रहा है नेता के रूप में स्वीकार करेगी? देखिए, इसका मालिक तो जनता ही, निर्णय तो जनता को ही करना है। मैं तो यह भी कह रहा हूं कि कम समय बचा हुआ है तो सबके पास मैं अपने क्षेत्र के, चूंकि यहाँ 452 बूथ इस बार बने हुए हैं, तो सभी के एक एक जनता के पास मैं पहुंच नहीं सकता हूं, लेकिन मेरी यह कोशिश रहेगी कि मैं जनता के पास पहुंचूं, हर जगह पहुंचूं, और इसके अलावा मैं डिजिटल रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से हर किसी के पास पहुंचूं और अपनी बात पहुंचाऊं। मेरी कोशिश यही रहेगी, एक बार मैं नामांकन कर दूं, मुझे चुनाव चिन्ह मिल जाए, इसके बाद मैं हर एक किसी को के पास अपनी बातों को पहुँचा दूँगा, इसका मैं आश्वासन देता हूँ। एक सवाल इससे हट के पूछना चाहेंगे, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी है और ऐसे में जनसंपर्क करना थोड़ा मुश्किल है, जनता के बीच जाना, क्या लग रहा है ऐसे में सोशल मीडिया को कैसे देखते हैं आप, सोशल मीडिया पे? जी बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा कि मैं पत्रकार रहा हूँ, टेक्नोलॉजी पर ही पत्रकारिता टिकी हुई है। आज जितनी तेज़ी से अब आपको कहीं घटना दुर्घटना हो जाती है, कहीं गोली चल जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है,
पुलिस को बाद में खबर लगती है, टेलीविजन पे बाद में खबर आएगी, अखबार में अगले रोज खबर आएगी। सोशल मीडिया का क्रेज इतना है कि चंद मिनटों में सभी लोग जान जाते हैं कि फलाना जगह गोली चली है। आपके अखबार और टीवी चैनल के संपादक को खबर भी नहीं होगी, रिपोर्टर को खबर नहीं होगी, लेकिन अब तो आम आदमी भी जर्नलिस्ट हो गया है। तो सोशल मीडिया ही सबसे श्रेष्ठकर है और मैं भी इसी माध्यम को अपनाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जो कोरोना महामारी है इससे अगर आदमी नहीं बचाव करे खुद को तो बचना नामुमकिन है। तो ये जो लोग राजनीतिक दलों के नेता हैं अपने स्वार्थ के लिए जनता के बीच जो जा रहे हैं, मैंने कहा कि सुबह से ही अभी आप सोच भी नहीं किए होंगे लेकिन आपके दरवाजे पर नेताजी पहुँच जा रहे हैं और ये चुनाव के बाद नहीं पहुँचेंगे, कभी नज़र नहीं आते हैं। तो ये लोग स्वार्थ सिद्धि के लिए, हो सकता है उनका 10 लोगों से मिलना जुलना है। आप देखिएगा, रिकॉर्ड लेकर देखिए कि सारे नेता लोग जो हैं कितने लोगों की मृत्यु हो गई, कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, गृह मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव हो गए, इंडिया में इलाज कराए, अमेरिका में जाके इलाज कराए, कोई एम्स में भर्ती होता है, कोई वेदांता में भर्ती होता है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, तो इन लोगों से अगर बच के नहीं रहा जाएगा। चुनाव आयोग ने भी गाइडलाइन जारी किया है कि आप जो है चुनाव प्रचार में 5 ही लोग जनसंपर्क अभियान में जा सकते हैं, सबको मास्क लगाना अनिवार्य है। जनता के बीच आप जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग बरतते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है कि आपको 2 गज यानी 6 फीट से ज़्यादा की दूरी बरतते हुए आपको बातचीत करना है, लेकिन ऐसा कोई नहीं कर रहा है। तो मैं जनता से यही अपील करूँगा कि इन लोगों से सावधान रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और पिछले 30-35 सालों से जो सिवान की स्थिति रही है, अगर उसमें बदलाव चाहते हैं एक बार मुझे भी मौका दें, बाकी फैसला तो आपको ही करना है।